हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रीजिल मिश्रा। सो गाइस, मैं आज आप सभी को बीए सेकंड सेमेस्टर जो नई शिक्षा नीति के अनुसार आई है उसमें क्या है, कैसे है, यही सब को बताने वाली हूँ। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों की कमेंट्स आए थे कि हमको सेकंड सेमेस्टर में हिंदी में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आप लोगों के पेपर का नाम बताऊँ तो आपके पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इसके अंतर्गत हमें कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा। लेट्स स्टार्ट। मैं आप सबको बताती हूँ आपको क्या पढ़ना है। हमारी हिंदी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर बीए सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों को सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। फर्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, क्या, कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र। सेकेंड अगर हम देखें तो परिभाषिक शब्दावली। सेकेंड हमारा क्या रहेगा, कार्यालय हिंदी का क्या रहेगा, हमारा परिभाषिक शब्दावली। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारा तीसरा क्या रहेगा, हिंदी और पत्राचार। ठीक है, कार्यालय हिंदी और पत्राचार। और चौथा हमारा क्या रहेगा, प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन। ये सब हमें किसके कार्यालय हिंदी के अंतर्गत हमें प्रारूपण, ठीक है, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन एवं प्रतिवेदन ये हमें पढ़ना होगा। ठीक है, और पाँचवा हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना, सामान्य परिचय, इतिहास एवं विकास। हमें कंप्यूटर का क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय, जैसे उसके खोज किसने की और उसके बारे में क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है, ये सब कीबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में। और उसके बारे में थोड़ा सा उसका इतिहास हमें पढ़ना है कि उसकी खोज किसने की, क्या कैसे है, पहले का कंप्यूटर कैसा था, वो सब। और थोड़ा सा उस कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, जो आधुनिक मॉडल कंप्यूटर आ गया उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ये पढ़ना होगा। फिर छठवां हमारा रहेगा, हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और हिंदी। ठीक है, हम मतलब हिंदी भाषा में कंप्यूटर जो प्रौद्योगिकी है, जो विकास है वो, और इंटरनेट और हिंदी। ठीक है, ये सब हमको पढ़ना रहेगा। सातवां हमारा रहेगा, हिंदी भाषा और ईमेल शिक्षण। जो हिंदी भाषा और ईमेल शिक्षण में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र, पत्रिकाएँ एवं दृश्य। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या क्या, श्रव्य सामग्री। ठीक है, ये सब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा शिक्षण में, क्या क्या, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र, पत्रिकाएं एवं दृश्य, श्रव्य सामग्री, ये सब हमको पढ़ना रहेगा। और आठवां हमारा क्या रहेगा, हिंदी भाषा और ई, जो हिंदी भाषा और ईमेल जिसमें आ जाएगा शिक्षण, ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय, सामग्री, सरकारी एवं गैर सरकारी चैनल, पॉडकास्ट एवं आभासी कक्षाएं। तो ठीक है, इसमें हमको सब इंटरनेट के ज़रिए, जो आज की जनरेशन जो भी फ़ोन में जो कुछ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसी सब के बारे में पढ़ना है। कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, देखने में ये सब्जेक्ट जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे उससे हार्ड लग रहा था, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, और अगला हमारा आ जाएगा सरकारी चैनल, पॉडकास्ट एवं आभासी कक्षाएं। और अगर हम नौवां की बात करें तो नौवां हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा टॉपिक, हिंदी कंप्यूटर टंकड़ तथा हिंदी साहित्य में शोध। हम हिंदी साहित्य में थोड़ा सा शोध करेंगे और हिंदी कंप्यूटर टंकड़। ठीक है, यही सब। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोगों के लिए होने वाला है। मैं अब आप सबको ये बता देती हूँ कि ये क्यों नई शिक्षा नीति से जारी की। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण संघीय सरकार ने सभी संगठनों में कंप्यूटर पर हिंदी के कार्य किया जाना कार्यालय कार्य का एक आवश्यक अंग बन गया है। साथ ही यह भी निश्चित है कि कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने से उन्नति, समृद्धि व ज्ञान के प्रसार की दशा में अनेक नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए क्या कर दिया गया है, हमारे लिए पढ़ाई के लिए हमारे ये कंप्यूटर हिंदी इम्पोर्टेंट कर दी गई। तो गाइस, सिर्फ इसीलिए हमारे लिए हिंदी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर एकदम मतलब इम्पोर्टेंट कर दिया गया है और कंपलसरी भी हो गई है। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एकदम अच्छे से और आसान शब्दों में पूरा का पूरा पढ़ाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादातर अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चले कि आगे हमें क्या पढ़ना है। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।